एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि एवरीडे मेकअप सिंपल मेकअप कैसे हम कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स एवरीडे मेकअप हर कोई बहुत हाई कवरेज नहीं कर सकता, एवरीडे हाई कवरेज करना भी नहीं चाहिए। एंड आज मैंने ये सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, जस्ट आप लोग बोल रहे थे कि एवरीडे मेकअप शेयर करने के लिए स्पेशली समर के लिए, और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है विदाउट फाउंडेशन के, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। यही लुक मैंने क्रिएट किया है, अगर आपको अच्छी लग रही है देन आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लुक मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है मार्केट वगैरह जाना होता है तो मैं ऐसे ही बहुत सिंपली रेडी होती हूँ। अगर आपको मेरे हल्के से डार्क सर्कल दिख रहे होंगे या फिर आपके फेस में अगर पिंपल्स और यू नो दाग धब्बे हैं तो थोड़े से वो दिखने चाहिए एक्चुअली। अगर वो पूरे हाई हो जाते हैं देन ये हाई कवरेज मेकअप हो जाता है, एंड हाई कवरेज मेकअप ऑफकोर्स एवरीडे तो कोई नहीं करता है। तो मैंने आज नेचुरल मेकअप लुक क्रिएट किया है जिससे कि आपको इस पे फाउंडेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली कैसे रेडी हो सकते हो एवरीडे। मैंने वही लुक इसमें क्रिएट किया है, अच्छी लगे देन आप देखो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सनस्क्रीन जैसे मैं बोलती हूँ ऑलवेज अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। साथ में साथ आपको जो भी मैं यूज कर रही हूँ स्क्रीन में आपको फोटो दिख जाएगी। एंड ये मैंने थोड़ा सा भी फास्ट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते कि दीदी आप प्लीज वीडियो फास्ट मत करिए, तो ये वीडियो मैंने फास्ट नहीं की है। तो बहुत ही कम टाइम यू 5 से 10 मिनट के अंदर आप एवरीडे के लिए रेडी हो सकते हो। एवरीडे कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करता है, बहुत लाइट मेकअप ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ एंड गुड वाइब्स का सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है ये, और डिफरेंस आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर मेरे डार्क सर्कल है तो उसे हाइड करने के लिए NYBA का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आपके नहीं है तो आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी बहुत लाइट डार्क सर्कल है तो भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डार्क है इस वजह से मुझे कंसीलर यूज़ करना पड़ रहा है, बट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, और पता नहीं मैं क्या बकेती कर रही थी इस वक्त, शायद मैं भूल गई थी कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और डिफरेंस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पॉन्स बीबी क्रीम लिया है और उसे डॉट डॉट करते हुए अपने फेस एंड नेक में अप्लाई कर लूँगी, एंड ऑफकोर्स अपने कानों में भी अप्लाई कर लूँगी, ईयर में भी अप्लाई करना है, और इसे फिंगर टिप की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेना है क्योंकि इसे ब्लेंड करने के लिए कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चाहिए होता है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि पॉन्स हुआ फाउंडेशन हुआ ये सब ऑलवेज नीचे की तरफ ब्लेंड करना चाहिए, इसलिए मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। अदरवाइज सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगी। तो यहाँ पर कलर बार के कॉम्पैक्ट से मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग जज मत करिएगा फाइनल लुक को देखे बिना, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो तो ऑफकोर्स आप भूत जैसा लग सकते हो क्योंकि स्किन वाइट रहती है, पर थोड़ी देर बाद आपकी मेकअप जो है वो सेट होने लगती है। और बीबी सीसी क्रीम मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ये ऑक्सीडाइज होता है तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ जैसा कि मैं नेचुरली ड्रॉ करती हूँ एवरी डे जैसे रेडी होती हूँ, एकदम वही सेम मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप एवरी डे रेडी हो सकते हो। जिनकी बहुत फ्लॉलेस स्किन है उनको सिर्फ सनस्क्रीन लगा के मॉइस्चराइजर लगा के कॉम्पैक्ट लगा सकती है, बट मेरी तरह डार्क सर्कल है तो इसलिए मैं इस तरीके से रेडी होती हूँ। और आई लिड भी ब्लैक है तो इस वजह से यहाँ पर मैं हल्का सा लाइट कलर शिवाना कलर्स के पैलेट से मैं लाइट पिंक कलर पिक कर रही हूँ और इसे अपने लिड में अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि हल्का पिंकिश लुक लगे, ज़्यादा आई के ऊपर डार्कनेस ना लगे, इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, कौन सी अच्छी लग रही है आप मुझे बताना, ऑफकोर्स पिंक वाली ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डार्क नहीं है, बट मेरी डार्क है इसलिए मैं यहाँ इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर NYBA का लाइनर लगा रही हूँ जो कि मेरी फेवरेट लाइनर इस वक्त चल रही है, बहुत ही जेड ब्लैक और बहुत ही सुंदर मैट ब्लैक आता है। एंड और एक बात, इसे लगा के आप रो भी लोगे ना तो ये लाइनर नहीं निकलने वाला है, एंड आप फेस भी धो लोगे जस्ट पानी से। मैं रब करने की बात नहीं कर रही हूँ, रब करोगे तो कुछ भी निकल जाता है, बट जस्ट वाटर से आप अपने फेस को धोते हो तो भी ये लाइनर नहीं निकलती है। नाउ यहाँ पर मैं स्टेक वर्की के काजल यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन में, याद रहे वाटर लाइन में नहीं, सिर्फ लोअर लैश लाइन में मैं अप्लाई कर रही हूँ। और यू नो समर है तो स्वेट तो होगा ही, बट स्वेट होने के बावजूद ये लाइनर मेरी नहीं फैलती है क्रीज लाइन होने के बावजूद।
तो यहाँ पर अब मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ बेला वोस्टे का लिपस्टिक, बट अगर आपके पास बेला वोस्टे का नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रोडक्ट के लिंक है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, मैं मिलता जुलता लिपस्टिक के लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर आपको मेरी फेस वाइट दिखेगी तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये वाइटनेस जो है 10 मिनट्स में अच्छे से मेरे ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो मेरे स्किन कलर में आ जाएगी। बाकी ये लुक है फाइनल लुक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग एक बार ट्राई भी करिएगा, मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।